वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमून। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं दोबारा आया हूं और एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। मैंने इसको एक बजाज का ब्राउन कलर 600 mm सीलिंग फैन है जिसको मैंने परचेस किया है अमेजोन से 1567 रुपीज़ से। और ये आ गया प्रोडक्ट और इसका MRP है, आप यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए, 2890 रुपीज़। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 12/2021 का और ये ब्राउन कलर का फैन है, बजाज कंपनी है, 2 साल का इसका वारंटी है। बजाज मैक्सिमा 600 mm रस्ट फ्री पाउडर कोटेड है और ब्राउन कलर का है और ये है बिल। ठीक है, तो यही है बिल और अंदर में भी शायद बिल हो सकता है, पता नहीं, ऐसे ही ओपन पैकेट मेरे को भेजा गया है, तो देख लेता हूँ क्या कुछ है या नहीं है। एक ऊपर की तरफ आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सेलो टेप चढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही मेरे को भेजा गया है, बिल्कुल अनकट वीडियो है, इसको अनकट ही मैंने ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए, बिल्कुल ही अनकट है, इसमें कोई भी कट या पॉज नहीं है, ऐसे इसको तो ओपन कर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए एक सेलो टेप चढ़ाया हुआ है, वो भी यहाँ से फटा हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है। ठीक है, पैकेजिंग काफ़ी बुरा है, तो ये ऐसा तो ठीक है, कोई अच्छी पैकेजिंग नहीं है, वैसा मेरे को भेजा गया है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो देखिए ऐसा ही प्रोडक्ट आया है और इसको मैं ऑन कैमरा ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है, तो लेट्स ओपन और देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है। तो ये आ गया प्रोडक्ट, अब यहाँ पर देख लीजिए कैसा कुछ आया है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसा आया है। ठीक है, अंदर में फैन तो दिख रहा है, ये फैन का रॉड आया है। ठीक है, सारी प्रोडक्ट को, और ये फैन का शायद ब्लेड है, 4 ब्लेड का ये फैन है, सीलिंग फैन। और सॉरी, थोड़ा अभी देख लेता हूँ, सब कुछ निकाल के देख लेता हूँ अंदर में क्या निकलता है। और ये फैन का बैटरी निकला है और क्या है, क्या कुछ है, छोटा सा फैन है। ठीक है, अंदर में थर्मोकोल का बहुत ही बुरा हाल है, ब्रोकन, और कुछ है तो नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए और कुछ नहीं है, वैसा ही है। तो इसको साइड में रख देता हूँ और ये शायद वारंटी कार्ड है और ये सीलिंग फैन है। ठीक है, वारंटी कार्ड को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है नहीं है। तो ये देखिए बजाज मैक्सिमा ब्राउन कलर का। ठीक है, और ये 2 साल का वारंटी है या नहीं है आप देख लीजिए, ऐसा आया है। थोड़ा लाइट दे देता हूँ, ये देखिए बजाज कंपनी का फैन है। दूसरी क्या चीज़ है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, हिंदी में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसा इसको शायद लगाना है या नहीं आया, जानकारी दिया गया है। तो जानकारी, ये एक्चुअली 24 इंचेस का फैन है, तो ये कुछ हाउ टू असेंबल क्या कुछ है ना है यहाँ पर दिखाया गया है। मैं इसको लगा के भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी इट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले रॉड को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आ गया रॉड, अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो यह है रॉड। तो अभी कोई नाड़ या स्क्रू मेरे को दिखा नहीं, देखता हूँ क्या कुछ है या नहीं है। तो यह है रॉड, रॉड जरा देख लीजिए, थोड़ा जूमिंग इशू हो रहा है यहाँ, दिखाने की तो कोशिश तो कर रहा हूँ पर जूम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर रख देता हूँ, तो अगर जूम हो जाए तो देखता हूँ। ठीक है, तो अभी शायद होएगा, देखिए। उसके बाद दो ऐसा कप मिला है या बाटी बोलिए, ठीक है, दो मिला है फैन में लगाने के लिए। तो आप देख लीजिए क्वालिटी
एवरेज क्वालिटी का है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्राइस 1563। इसमें कोई बजाज का बैजिंग नहीं दिया गया है, पर इसमें एक बजाज का बैजिंग है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यानी कि ये ऊपर की तरफ लगेगा और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही है, और इसके अंदर में ब्लैंक है, इसे हटा दो। और ये शायद ब्लेड है, ब्लेड को पहले मैं दिखा देता हूँ ब्लेड कैसा है। तो ब्लेड काट लेता हूँ। तो दोस्तों मैं ब्लेड आप लोगों को दिखाता हूँ, छोटा छोटा ब्लेड है, छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा ब्लेड, ठीक है। ब्राउन कलर का छोटा छोटा ब्लेड, वो पैकेज में ही मिल गया था। थोड़ा दिखाता हूँ ब्लेड का। तो जब तक मैं इसको ओपन करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसको काटना पड़ेगा वरना निकलेगा नहीं सर। हाँ, इसको काटना ही पड़ेगा वरना ये निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ये है ब्लेड, काफ़ी छोटा छोटा सा ब्लेड है, और चार ब्लेड है, छोटा छोटा सा चार ब्लेड है। तो अब यह देखिए, एक एक ब्लेड को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, छोटा छोटा सा ब्लेड है, ब्राउन कलर का, देख सकते हो ब्राउन कलर का चार ब्लेड है, छोटा छोटा सा ब्लेड, काफ़ी छोटा छोटा सा ब्लेड है। ये देख लीजिए, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। चार ब्लेड है, तो ब्लेड को साइड बाय साइड रख देता हूँ। ये चार ब्लेड है, यहाँ पर चार ब्लेड मेरे को मिला है, फोर ब्लेड्स, ठीक है। अब देख लीजिए, ये मेरे को 1, 1, 2, 3 and 4, चार ब्लेड मेरे को मिला है, ठीक है। चार ब्लेड को यहाँ पर साइड बाय साइड रख देता हूँ। काफ़ी छोटा सा पंखा है, काफ़ी छोटा सा क्यूट सा पंखा है। और अभी पंखा तो आप लोगों को दिखा दिया है, तो ये देखिए। तो अभी क्या है कि मैं पंखा का जो मेन मोटर है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है उसका जो नट बोल्ट जो आप मैं ढूंढ रहा था, तो ही है। क्वालिटी काफ़ी बुरा है, पैकेजिंग का क्वालिटी, ठीक है। काट लेता हूँ उसके अंदर क्या है, मैं इसको काट के दिखा देता हूँ। तो इसको भी काट लिया जाए, काटना पड़ेगा, थोड़ा परेशानी हो रहा है, इसको काट लिया जाए। ओके, काट लिया। इसको असेंबल करने के बाद भी, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा है या नहीं है। तो ये इसके अंदर से ये निकला है, आप देख लीजिए। और थोड़ा साउंड होने हो रहा है बाजू में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके संग ऐसा निकला है। तो नट का क्वालिटी अच्छा है। और अभी जो मेन मोटर है उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेन मोटर आप देख लीजिए, तो ये आ गया मेन मोटर। आप यहाँ पर देख लीजिए मेन मोटर कैसा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बॉक्स में मैंने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसमें लिखा गया था 66 वाट का, पर आप यहाँ पर क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पर 63 वाट लिखा गया है। ऐसा क्यों मेरे को मालूम नहीं, आप कमेंट में अगर आपका मालूम है तो कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, रेटेड पावर 63 वाट, ठीक है ना। जबकि मैंने जब इसको पढ़ा था तो लिखा गया था 66 वाट, यानी कि 66 वाट, पर यहाँ पर 63 लिखा गया है। जो भी हो, जितना कम पावर कंजम्पशन होगा उतना ही अच्छा है। ये काफ़ी छोटा सा एक फ़ैन है, काफ़ी छोटा सा, पर इतना प्राइस में आपको बड़ा फ़ैन भी मिल जाता है। पर मैं, मेरा जो छोटा बालकनी है उसमें लगाने के लिए लिया हूँ, तो यही है प्रोडक्ट। और इसको मैं पहले असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा क्वालिटी है या नहीं है, कैसा लुक इसको निकल के आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के संग अब जब देखेंगे, अभी देखेंगे, अब इसको प्रोडक्ट को असेंबल करने के बाद मैं कैसे इसको दिखता है। तो दोस्तों,
अभी आप देखने वाले हो इसको असेंबल करने के बाद। दोस्तों मैंने इसको असेंबल कर दिया है और असेंबल करने के बाद ऐसा लुक आया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और मैं अभी फैन को चला के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका साउंड क्या है। तो मैं एक बात आपको आपसे कहना चाहूँगा कि इसका जो एयर डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छा है, पर जो आदमी फैन के नीच में बैठेगा उसी को ही एयर लगेगा, और अगर आप इस तरफ थोड़ा दूर बैठेंगे तो वो एयर आपको उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। काफ़ी छोटा सा फ़ैन है, तो अभी इसको चला के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने इसको चला दिया है और आप अभी देखिए इसका स्पीड कैसा है और साउंड कैसा है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब।